अब ये देख रहे हो आप, ये कैसे खींच रही है इस गंदगी को इस जगह से। तो दोस्तों ये है डर्मा सेक्शन का पोर क्लीनिंग डिवाइस, इसे हम लोग आम भाषा में स्किन का वैक्यूम क्लीनर भी बोल सकते हैं। और अब ये डिवाइस काम कैसा करती है ये हम लोग इसी व्लॉग में आगे देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये प्रोडक्ट मार्केट में काफी दिन पहले आ चुका है और आ रहा है, लेकिन आज मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है अनबॉक्सिंग के लिए आप लोगों के लिए, ताकि मैं इसे आप लोगों को दिखा सकूं। तो फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्ट आखिर है क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड यू आर वॉचिंग हर्षित गुप्ता व्लॉग्स एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग माई ऑल व्लॉग्स विद मी एंड आई एम ऑल्सो एंजॉयिंग विद यू ऑल माई व्लॉग्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम क्यों चेंज कर दिया, मैं इसी व्लॉग के एंड में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज क्यों किया। लेकिन अभी हमें ये हमारी प्रायोरिटी नहीं जानना है, अभी हमारी प्रायोरिटी है इस प्रोडक्ट के बारे में जानना, इस प्रोडक्ट की खासियत जानना, इसको अनबॉक्स करना। तो फटाफट से पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, फिर आगे जानते हैं कि चैनल का नाम क्यों चेंज हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है डर्मा सेक्शन का पोर क्लीनिंग डिवाइस, आप देख सकते हैं इसकी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह से डिजाइन है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर साइड में इसमें जो इसके कैप्स मिल रहे हैं उन कैप्स के बारे में लिखा हुआ है, और कैप्स वो आउल शेव में है, स्मॉल शेव में है, सोनिक शेव में है और लार्ज शेव में है। फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स करने के लिए दोस्तों ये सारी चीजें इसके अंदर हमें मिल रही हैं। ये बॉक्स की पैकिंग मैं इसे साइड में रख देता हूं, और ये इसमें यूजर मैनुअल गाइड मिल रही है जिस जो इसे आसान तरीका बताती है इसे यूज करने का, लेकिन इससे आसान और बेहतर एक तरीका मैं आपको बताता हूं। ये इसका मेन पार्ट है और इसमें तीन पार्ट अलग से मिले हैं, ये तीन पार्ट का यूज क्या है मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। मेन पार्ट इसका ये है, इसका आप बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन है, और यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग दी हुई है, और यहाँ पर एक स्मॉल बटन दिया हुआ है और एक कैप इसके ऊपर लगी हुई है। ये जो चार कैप हैं, चार कैप में अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन से चारों कैपों का काम होता है। एक इसमें आउल कैप है, आउल शेप में जो दी हुई है, और इसमें एक है स्मॉल कैप, स्मॉल कैप के बाद आती है सोनिक कैप, सोनिक कैप के बाद आती है लार्ज कैप, ये लार्ज कैप है। तो ये सारों कैप के थ्रू हमें इसका यूज करना है। अब यूज कैसे करना है चलिए देखते हैं। दोस्तों जो काम वैक्यूम क्लीनर का होता है कि घर की गंदगी जाले धूल गर्दा को निकालता है और बाहर फेंक देता है, वही काम सेम इसका होता है। ये फेस का वैक्यूम क्लीनर है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसमें यहां पर बटन दिया हुआ है नंबर वन, नंबर टू, मैं डबल पावर पे लगाता हूं, और मैंने इसमें जो कैप ऊपर लगाई हुई है इन बाकी कैप के बिहाफ पर, वो यहां पर लार्ज कैप है, यहाँ पे बाकी कैप दी हुई है, मैंने अभी आपको बताया ये आउल शेप में है, ये स्मॉल कैप में, और ये सोनिक कैप है। और इन सभी कैप में मैं यहाँ पर लार्ज कैप का यूज करता हूँ। लार्ज कैप को यूज करने के लिए मैं इसको ऑन करता हूँ, मशीन ऑन ऑन हो गई है, आपको आवाज सुनाई दे रही है, और यहाँ पे आपको इसका यूज दिखाता हूँ। और ये आपको आपकी स्किन पर फास्ट नहीं लेनी है, धीरे धीरे आपको खींचना है, क्योंकि ये स्किन को खींचती है, और आप फास्ट करोगे तो आपकी स्किन को हर्ष होगा, आपकी स्किन को लग जाएगी और वो डैमेज हो सकती है उसी जगह से, इसलिए आपको फास्ट नहीं खींचना है। जिस तरह से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ सेम उसी वे में आपको मूवमेंट करना है इस मशीन को आपकी स्किन के ऊपर। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लगाया, लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको धीरे धीरे मूवमेंट करना है, या फिर आपके जिस जगह पिंपल है उस पिंपल पे आप इसे माउंट कर देंगे। माउंट करने के बाद वो उस पिंपल से जितने जर्म्स बैक्टीरिया होगी या गंदी जो अंदर गंदगी भरी होगी वो सब ये खींच लेता है। देखिए लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मेरे यहां पर पिंपल है, ठीक है, अब मैंने इसे पिंपल के ऊपर इस मशीन को माउंट कर दिया। अब ये देख रहे हो आप, ये कैसे खींच रही है इस गंदगी को इस जगह से, कैसे खींच रही है मशीन, ये देखिए आप। और थोड़ी देर बाद इसको आपको कुछ इस तरह से खींचना है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
इस तरह से ही आपको इसका यूज करना है। बहुत जल्दी जल्दी आपको इसे खींचना नहीं आपकी स्किन पर, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी वहीं से और आपकी झुर्रियां वहीं से पड़ने लगेंगी। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ये मेन काम इस मशीन का होता है भाई। ये डर्मा सेक्शन की आपकी वैक्यूम क्लीनर है, पोर क्लीनिंग डिवाइस है। इसका आप लोग यूज कर सकते हैं और अपने अपने लिए ले सकते हैं। आप पर्सनली भी इसका यूज कर सकते हैं और प्रोफेशनली भी इसका यूज कर सकते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर इसे देख रहे हैं वो परचेस कर सकते हैं। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका आपको। और साथ में जो मेरे कस्टमर इसे देख रहे हैं, जो इसे प्रोफेशनल यूज में लेना चाहते हैं अपने पार्लर में यानी ब्यूटिशियन के वे में, आप इसे परचेस कर सकते हैं। हे गाइस, अगर आपको वीडियो ये वाला पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपको बताने वाला था कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्यों चेंज किया है, तो मैं इस व्लॉग में नहीं बताने वाला हूं आपको। आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए मैं आपको सेकेंड व्लॉग में बताऊंगा कि मैंने अपने चैनल का नाम क्यों चेंज किया है। और अगर आप सब भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं या चलाना चाहते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं अपने चैनल का नाम चेंज करना, तो किस सिचुएशन में नाम चेंज होता है, किस सिचुएशन में नहीं होता है, ताकि आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका चैनल प्रॉपर चलता रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना है, तो ये बेस्ट तरीका मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखना वाला। तब तक के लिए मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। वहां से आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, वहां से मुझे आप फॉलो कर सकते हो। जब तक बाय बाय एंड टेक केयर।